हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक था दोस्तों, हमें लगभग 5.5% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी और स्टॉक में क्लोजिंग 20.65 रुपये पर देखने को मिली। अगर 6 मंथ के रिटर्न की बात की जाए तो स्टॉक दोस्तों अभी तक आप देख सकते हैं कि लगभग 13% से ज़्यादा के रिटर्न स्टॉक डिलीवर कर चुका है। और वहीं 1 ईयर की अगर बात करें तो 1 ईयर में बहुत ही ज़बरदस्त जो बैंक है उसका प्रदर्शन रहा है। 163% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं इस छोटे से पैनी स्टॉक ने। और दोस्तों अगर बात करी जाए, इसके Q1 के रिजल्ट्स भी आउट हुए थे, तो चलिए देखते हैं कि इसके Q1 के रिजल्ट किस प्रकार से आए थे। तो यहाँ से अगर बात करी जाए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो आप देख सकते हैं बैंक की लगातार जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू बढ़ती जा रही है। और वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए रिसेंट के क्वार्टर से, जहाँ Q1 था वहाँ पर 360 करोड़ के करीब में देखने को मिली, प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों 344 करोड़ के करीब में थी। और वहीं दोस्तों अगर एक साल पहले से बात करी जाए, जहाँ 294 करोड़ के करीब में थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी की, वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है। यहाँ से आप इसमें भी देख सकते हैं लगातार जो है ये इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। अगर दोस्तों बात करी जाए इंटरेस्ट अर्न की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साल पहले 1620 करोड़ के करीब में इंटरेस्ट अर्न हुआ करता था, और वहीं दोस्तों करंट में जो है Q1 में 2025 करोड़ के करीब में बैंक को इंटरेस्ट अर्न हुआ है। वहीं दोस्तों अगर प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो यहाँ पे 1972 करोड़ के नंबर निकल के आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट अर्न भी जो है बैंक का वो लगातार कंटिन्यू ग्रोथ करता जाए। तो दोस्तों अगर बात करी जाए यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम की, तो आप ऑपरेटिंग इनकम भी देख सकते हैं एक साल पहले 316 करोड़ के करीब में थी और अभी जो है 490 करोड़ के करीब में आ चुकी है। वहीं अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें, जहाँ 561 करोड़ के करीब में थी और वहाँ से हमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है प्रोविजंस, यहाँ पे एक साल पहले 139 करोड़ का प्रोविजंस था बैंक का और अभी जो है 198 करोड़ हो गया है। यानी कि कंपनी ने जो अपना जो प्रोविजंस है दोस्तों, बैंक ने जो प्रोविजंस है वो अपने बढ़ाए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है दोस्तों। और प्रीवियस क्वार्टर में ये प्रोविजंस जो थे 38 करोड़ के करीब में थे, और किसी भी बैंक के लिए प्रोविजंस अगर बढ़ रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत नहीं होता है दोस्तों। और वहीं दोस्तों अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे हमें एक साल पहले 115 करोड़ के करीब में था और अभी जो है बैंक का जो 202 करोड़ का हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चार्ट की बात करी जाए तो आप चार्ट में देख सकते हैं बहुत ही सिंपल स्टॉक है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन थी और ये नीचे का सपोर्ट था, इसी दोनों चैनल के बीच में जो स्टॉक था दोस्तों वो ट्रैवल कर रहा था। तो यहाँ से आपने देखा यहाँ से वापस से आया, इस ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट नहीं दे पाया, यहाँ से वापस से नीचे की ओर आया, अगेन फिर अगेन यही चीज़ होती रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर जाके स्टॉक में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला 17 रुपये के करीब में। तो उसके बाद से जो स्टॉक में हमें मोमेंटम देखने को मिला, तो आप देख भी सकते हैं यहाँ से 17 रुपये के करीब में हमें यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद वहाँ से काफ़ी अच्छा स्टॉक निकला और लगभग स्टॉक में हमें 20 रुपये का हाई बनते हुए देखने को मिला था। और वहीं से अगर बात करी जाए तो वहाँ से दोबारा से स्टॉक में करेक्शन आया और स्टॉक वापस से सपोर्ट पे आया, जो कि इसका सपोर्ट था दोस्तों 17 रुपीज़ का, और स्टॉक ने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और वापस से यही ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया और यहाँ से वापस से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो इसी ब्रेकआउट के यहाँ पे इस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा निकला और दोस्तों स्टॉक में हमें 23.85 रुपीज़ का हाई देखने को मिला और स्टॉक अभी जो है वहाँ रिजल्ट के बाद से थोड़ा सा करेक्शन दिखा के जो स्टॉक है वो इंपॉर्टेंट लेवल पे आ रहा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों 20 रुपीज़ का स्टॉक में, अगर 20 रुपीज़ का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है दोस्तों। अगर स्टॉक 20 रुपीज़ के लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल सकती है और स्टॉक वापस से 17.70 रुपीज़ पर स्टॉक हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। सो स्टॉक में 20 रुपीज़ का जो है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट दिखाता है तो यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। प्लस स्टॉक में हमें देखने को मिलेगी अगर ये 20 रुपीज़ के नीचे आता है, तो 20 रुपीज़ के नीचे अगर स्टॉक हमें क्लोजिंग देता है तो यहाँ से हमें 17.70 रुपीज़ का ये जो नेक्स्ट सपोर्ट है ये देखने को मिल सकता है। बट स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है, ये स्टॉक के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और लगातार इम्प्रूव भी होते जा रहे हैं। अगर इस स्टॉक से या अदर स्टॉक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।